राहुल गांधी कल आपके यहाँ आए, उन्होंने क्या क्या करवाया? अरे वो आए, सेविंग कराए और बाल कटिंग कराए। पता नहीं था, वो अचानक आए और हम तो डर गए। हम लोग इतना बड़ा नेता हमारे दुकान में आए, और हमने कभी भविष्य में नहीं सोचा था कि राहुल गांधी सर जैसे नेता के हम दाढ़ी बाल कटेंगे। पूछने लगे, आप पहले कहाँ पे करते थे, कितना कमा लेते हो? 400-500 रुपए रोज का, और संडे के दिन 1200 हो जाता है। ये पूछने लगे कि आप यहाँ नौकरी चाकरी कैसे, मतलब कहा सब वही पूछने लगे। हमने बोला सर यही जो अग्निवीर वाला है, जो बच्चे लोग दौड़ते हैं रेस लगा रहे हैं, उनको 4 साल में कुछ होने वाला नहीं, कम से उनको परमानेंट किया जाए। तो बोले ठीक, हम करा देंगे। देखो बच्चे इतने मेहनत करते हैं, उनके अच्छा नहीं है, उनको परमानेंट किया जाए। सब लोग रात 3 बजे तक फोन आया, सब बगल बगल के गाँव के आदमी सब पूछे, बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लगा। बोले कि इतने बड़े नेता के तुम दाढ़ी बनाए। अपना लोग जैसे बात करते हैं ना, वैसे ही है वो, उनके अंदर कोई ये नहीं कि हम इतने बड़े नेता है, ये नहीं। हमारे लोग के गले भी हाथ रखे, और हमारे जो साथ में हमारा साला है और हमारे और है, सब लोग को पकड़ के फोटो भी खिंचाए। नहीं सर जी, राहुल गांधी आ गए और पूरा पसीना पसीना। हमने बोला कि भगवान मैं दाढ़ी कैसे बनाऊंगा इनका। मजबूत करके फिर बनाया दाढ़ी, और वो भी संतुष्ट हो गए, बोले काम आपका एकदम बढ़िया है। गरीब और जनता के बीच में खड़ा रहेगा वही नेता अच्छा है। हमें बहुत अच्छा लगा राहुल सर ने जो यात्रा निकाली है, एकदम नॉर्मल है, एकदम जैसे हम लोग हैं, जैसे आप लोग हैं, सब पब्लिक आती है वैसे ही है। बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे आदमी भी हैं।